हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर आपका किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए ठीक है तो अब आप सबको पता है कि जो नर्सिंग है उसको सेमेस्टर सिस्टम में बना दिया गया है तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट सेम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है थीके? तो देखिये टू हावर का आपका ये है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड ड्रॉ सुटेबल डायग्राम वेयर रिक्वायर्ड जहां पे डायग्राम्स uh, की जरूरत है वहां पे आपने सुटेबल डायग्राम बनाने हैं उसके बाद है कि पार्ट वन और पार्ट टू को डिफरेंट डिफरेंट यानी सेपरेट शीट्स के अंदर आपने लिखना है और ओनली ब्लू और ब्लैक इंक पेन फॉर अटेम्प्टिंग द आंसर ठीक है ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है आपने और यूज ऑफ पेंसिल इज प्रोहिबिटेड ठीक है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके सबसे पहले पार्ट वन अप्लाइड एनाटमी एनाटमी का है सबसे पहले ये तो देखिए पार्ट वन के अंदर क्या है आपके मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका किडनी इन द ह्यूमन बॉडी एक्सटेंड फ्रॉम ठीक है जो आपकी किडनी है वो कहां से कहां तक प्रेजेंट होती है फाइव थ्रेसिक्स से लेके थर्ड लंबर तक या फिर ट्वेल्थ थ्रेसिक्स से लेके थर्ड लंबर तक या फिर एथ्थ थ्रेसिक्स से फोर्थ लंबर वर्टिब्रे तक या फिर टेंथ से फिफ्थ इस तरीके से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आपका क्रिप्ट ऑफ लिबर किन आर फाउंड इन ये कहाँ पे पाए जाते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपका द सब्स्टांस नॉर्मली फिल्टर थ्रू ग्लोमेरुलस एक्सेप्ट कौन सा सबस्टांस है जो आपका ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाता है नॉर्मली एक को छोड़ के तो वोटर ग्लूकोज सोडियम प्लाज्मा प्रोटीन ये आपसे पूछा गया है इनमें से ठीक है नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये देखिए कैसे हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर है आपसे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक स्टमक के बारे में आपने यहाँ पे बताना है ठीक है उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल यहाँ पे आपने ह्यूमन सेल का डायग्राम बनाना है नेक्स्ट के अंदर आपसे पूछा है स्केलेटल कार्डिक और स्मूथ मसल के बीच में डिफरेंस नेक्स्ट आपसे पूछा है ट्रांजिशनल एपिथीलियम को एक्सप्लेन कीजिए उसके बाद आपसे पूछा है एससे टाइप क्वेश्चन इसके अंदर ये आपका एक ही क्वेश्चन दस नंबर का रहेगा इसके अंदर आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी ठीक है कि किडनी की स्ट्रक्चर क्या है और ब्लड सप्लाई क्या रहेगी ये गया आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर उसके बाद आपसे फिजियो का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा ठीक है तो पार्ट सेकंड के अंदर आपका क्या रहेगा फिजियोलॉजी रहेगी ठीक है तो फिजियोलॉजी के अंदर भी ऐसे ही है शुरू में आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स आर द साइट फॉर कि राइबोसोम क्या करते हैं आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं द फेज ऑफ डाइजेशन विच स्टार्ट बिफोर द फूड एंटर द स्टमक ठीक है उस फेज को क्या बोलते हैं स्टमक के अंदर पहुंचने से पहले ठीक है जो फेज है डाइजेशन की उसको क्या बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है द ब्राउन कलर ऑफ फिसेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच तो आपको पता है स्टर्को बिलीन जो सब है उसकी वजह से स्टूल का कलर क्या होता है ब्राउन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया है कि रेनिन क्या है रेनिन क्या करता है यानी डिक्रीज करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को या फिर डिक्रीज करता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को या सभी को ठीक है तो ये आपने यहाँ पे बताना है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है द सेल विच सिक्रीट एथसीएल इन द स्टमक आर कोल्ड जो सेल स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती हैं उनको क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसके अंदर आपने फंक्शंस बताने हैं लीवर के ठीक है सेवंथ क्वेश्चन है इसके अंदर आपसे पूछा है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं नेक्स्ट आपसे पूछा है डिस्कस द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट ठीक है एलिमेंट्री ट्रैक्ट यानी आपका माउथ से लेके एन तक क्या मूवमेंट्स होती हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे नेक्स्ट आप है आपसे पूछा है एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सबस्टांस का एक्सचेंज कैसे होता है वो आपने बताना है यहाँ पे नेक्स्ट फिर वही आपका टेन नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड द फिजियोलॉजी ऑफ मिक्सुरेशन यूरिन आपका कैसे बनता है और कैसे पास आउट होता है उसकी फिजियोलॉजी आपने यहाँ पे बतानी है तो इस तरीके का आपका कुछ फर्स्ट सेम का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे फिर भी कोई डाउट पूछता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं सो थैंक यू गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ